हेलो सर, हेलो मैम, मैरी क्रिसमस सर। मैरी क्रिसमस मैम। मैरी क्रिसमस। एंजॉय योरसेल्फ। या मेरी पार्टी में तुम्हारी ये सेक्रेटरी क्या कर रही है? कम ऑन अनुष्का, वो हमारी हेल्प करने आई है। मुझे इसका हमारे घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बिना वक्त बहुत परेशान हो रही हो मेरे ख्याल से। सुनो, तुम अगर इसे अपने ऑफिस तक रखो तो ही अच्छा है। मैरी क्रिसमस। तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और भाई आप लोगों को भी भाई। जीजा जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए। अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम तो निकाला आप दोनों ने। अरे भाई आते कैसे नहीं है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। सही है ना? अच्छा इसमें क्या है, ये गिफ्ट अपने हाथ में रखेंगे क्या? अरे भाई ये गिफ्ट तुम लोग के लिए नहीं है। अरे ये गिफ्ट है तुम लोग की बेटी के लिए। हाँ बताओ पिंकी कहाँ है? अरे पिंकी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होगी, अभी बुलाती हूँ। इधर आओ। पिंकी आपसे मिलने कोई आया है, चलो हमारे पास। कौन मिले हमसे? आपकी राधिका बुआ और संजीव फूफा जी, दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। आपको दिख नहीं रहा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही हूँ। बेटा सुनो मेरी बात, 2 मिनट आप उनसे मिल लो फिर वापस आ जाना। मैं बाद में मिल लूंगी उनसे, आप मुझे परेशान मत कीजिए। लेकिन बेटा उन्हें बुरा लग जाएगा ना। बुरा लगना है तो लगने दो, मुझे क्या, और आप मेरे पीछे मत पड़े रहो। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा। अनुष्का क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुकेश मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पिंकी ने फिर कुछ कहा क्या? पिंकी पिंकी चलो ना हम खेलने जाते हैं। मैं उसे कैसे भी बिहेव करूं, वो मुझसे हमेशा रूखा ही बिहेव करती है। पिंकी पिंकी चलो ना खेलते हैं। देखो अनुष्का तुम्हें अभी सिर्फ 4 महीने हुए है ना, और पिंकी को वक्त लगेगा तुम्हें अपनी माँ मानने में। नफरत करती है वो मुझसे। डोंट वरी, मैं उसे समझाता हूँ, वो समझेगी है ना, एक बच्ची है वो। हाँ हाँ पता है मुझे, पता है रेड टाइप बॉक्स है ना। हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। चलो बेटा आप दोनों नीचे जाके खेलो। हैं पिंकी? यस पापा। कैसा मेरा बेटा? बेटा आज अनुष्का से अच्छे से बिहेव करना, आखिर वो तुम्हारी। पापा सांता अभी तक नहीं आया। डोंट वरी बेटा, बस आने ही वाला होगा। पापा क्या मैं अपने लिए कोई गिफ्ट ले सकती हूँ? नो बेटा, देखो आपके फ्रेंड सब वेट कर रहे हैं ना, आपको भी वेट करना चाहिए है ना। चलो उठो, चलो चलो चलो। Thank you.
मिल गया। मैं फोन करता हूँ उसमें टॉय की दुकान पे। जल्दी करो। अरे सेंटा अरे आ गया। अरे इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? सॉरी मैम, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अच्छा ट्रैफिक छोड़, जल्दी अंदर आओ। चलो एवरीबॉडी चलो बच्चा लोग। घर में ये मेरी पहली क्रिसमस पार्टी है, लेकिन अब की बार मैं चाहती हूँ कि हम एक ग्रैंड पार्टी किसी हॉल में ऑर्गेनाइज कर। मैडम सेंटा आया। सेंटा जी। दीदी मैं अभी आती हूँ। ठीक है। सेंटा आई एम सॉरी मैम, मैं जरा लेट हो गया। लेकिन हमें दो सेंटा नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे घर पे एक सेंटा है। पर मैम मुकेश जी ने तो मुझे बुलाया है, मैं झिलमिल टॉय स्टोर से आया हूँ। तो फिर वो कौन है? दीदी दीदी आपने कहीं सेंटा को देखा है? बच्चों सुनो मेरी बात तो सुनो। नितिन भैया मेरी बात तो सुनो। नितिन भैया आपने कहीं सेंटा को देखा है? अभी तो यहीं पे था, कुछ देर पहले बच्चों को गिफ्ट दे रहा था। हनी जॉली बेटा आप लोगों ने कहीं उस सेंटा को देखा है जो थोड़ी देर पहले यहीं खड़ा था? आंटी हाँ सेंटा अंकल पता नहीं क्या मकसद से आया था, कौन था वो, क्या चाहता था? क्या हुआ अनुष्का, सेंटा को लेकर इतना परेशान क्यों हो? ज्योति जो सेंटा हमारे आया था उसे हमने बुलाया ही नहीं था। दीदी वो तो कोई और ही था। ओ माय गॉड, ये कोई चोर तो नहीं था? हो सकता है कोई चोर हो, पर मुकेश कहाँ है? दीदी मुकेश का मैसेज आया था, किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए निकल गया है। पर पिंकी मुझे नजर नहीं आ रही। पिंकी कहाँ है? पिंकी चली। भैया आप लोग वहाँ देखिए, पिंकी अभी देखिए। ज्योति ज्योति क्या हुआ? ज्योति ये देखो खून की बूंदें। खून? कहीं मेरी पिंकी को कुछ हुआ तो नहीं? तुम चिंता मत करो। कहां तुम लोग? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे आओ, पीछे आओ। ज्योति कपाट खुला। चाचा जी कपाट। चलो पिंकी
पिंकी पिंकी पिंकी बेटा बेटा होश में आओ, लगता है कबर्ड पे पड़े पड़े बेहोश हो गई है। राहुल काका जाकर पानी लेकर आइए जल्दी जल्दी जाओ। देखो इसे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बेटा बेटा होश में आओ। ये ठीक है। आओ आगे देखते हैं। चलो चाचा जी, यहाँ तक खून के निशान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कोई आया है। वो जो कोई भी है, लगता है उसे काफी चोटें आई हैं। लेकिन खून के निशान तो इस दीवार के पास आकर रुक गए। इस तस्वीर के पीछे एक खुफिया दरवाजा है, ऐसा मुझे अनुष्का ने बताया था एक बार। चलो इसको हटाते हैं। आइए चाचा जी देखते। सुजैन सुजैन ये तो मर चुकी है। क्या ये मरी नहीं है, मार दी गई है। सीआईडी को बुलाना होगा। सर ये देखिए, सर के पीछे बहुत ही गहरी चोट है, पर और कहीं भी चोट का निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया और एक ही झटके में इसकी मौत हो गई। शायद इसे कहीं और मारा गया और लाश को यहाँ पे लाके डाल दिया। कौन है ये लड़की? सर ये सुजैन है, इस फार्म हाउस के मालिक मुकेश की सेक्रेटरी है ये। मुकेश कहाँ? सर वो किसी जरूरी काम से पार्टी के बीच बाहर चला गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। तुम लोगों ने फोन नहीं किया? सर बहुत बार फोन किया लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, सुजैन की पार्टी में किसी के साथ कोई बहस या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ। मुकेश का फोन नंबर लो और कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो। सुजैन की लाश को यहां से ले गया। सर सर एक मिनट। सर ये खून उसी ने किया होगा। किसने? वो बहरूपिया जो सेंटा बनकर हमारे घर में घुसा था। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? सर हमने किसी और सेंटा को बुलाया था, मगर कोई दूसरा ही आदमी सेंटा बनकर पहले ही हमारे घर में आ गया था। सर फिर घबरा के अपनी बेटी पिंकी को ढूंढने लगी जो इस कमरे के कबर्ड में बेहोश पड़ी मिली थी, और वो बिन बुलाया सेंटा गायब हो गया। अनुष्का जी, क्या आपकी बेटी बता सकती है कि यहाँ हुआ क्या था? सर अभी तो वो बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। सर फिर तो सेंटा भी इस कमरे में सुजैन के साथ होगा। अगर किसी ने सेंटा को मेन दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा नहीं है तो फिर हो गया कहाँ? सुजैन सर वो देखिए
ये सांता भागते हुए अपना जूता छोड़ गया। B246 स्केच पेन से लिखा हुआ, लगता है जूता किसी कॉस्ट्यूम वाले के यहाँ से भाड़े से लिया गया है। निकल सर, पता करो कौन है ये कॉस्ट्यूम वाला। सर सुजान के बैग में से ये गन मिली है। सुजान ये गन बैग मिलेगी पार्टी में, वो भी लोडेड है ये तो। मुकेश का फोन लगा? सर रिंग तो बज रही है मगर वो फोन उठा नहीं रहा है। इसका मोबाइल ट्रेस करो, पता करो वो कहाँ है। पिंकी को हो जा गया। सच? चल पिंकी आप ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके पापा को क्या जवाब देती? मुझे पापा से भी बात नहीं करनी। क्यों बेटा, पापा से नाराज हो क्या? हाँ, मैंने उस कमरे से अपने लिए एक गिफ्ट का बॉक्स लिया था तो पापा ने मुझे बहुत डांटा और वो गिफ्ट का बॉक्स भी छीन कर ले गए। तुमको मना किया था ना कि सेंटा के आने से पहले गिफ्ट को हाथ मत लगाना। सॉरी पापा। क्या सॉरी, इधर दो, बहुत जिद्दी हुए तुम। तभी कमरे का दरवाजा फिर से खटखटा। लगता है पापा वापस आ गए, अभी वापस ही डांटेंगे। और फिर आप कबर्ड में जाके छुप गए? हाँ, और कबर्ड बंद कर लिया, लेकिन बाहर से कोई और दो लोगों की आवाज आ रही थी। एक आदमी और एक औरत की आवाज? हाँ। बेटा आपने सुना वो दोनों क्या बातें कर रहे थे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अंदर मेरा दम घुटने लगा और चक्कर आने लगी, फिर मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, बाय। मुकेश वो गिफ्ट बॉक्स लेकर घर से बाहर चला गया, जरूर कुछ खास चीज थी उस गिफ्ट बॉक्स में। बोलिए, कौन सा क्वेश्चन चाहिए? सीआईडी से हम। अरे वाह, बड़ा अच्छा टाइटल है फिल्म का। अच्छा टाइटल है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ मुजरिमों की फिल्म बनाते हैं। सॉरी सर, भूल चुकी, माफी मांगता हूँ। बोलिए, क्या सेवा करूँ आप लोगों की? ये सांता का जूता आप ही का है ना? हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही जूता है। हाँ, तो इसका दूसरा जूता और कॉस्ट्यूम कौन लेके गया, इसके बारे में बताओ। अभी सर। सर एक नहीं, सांता के कॉस्ट्यूम के दो सेट लेके गया आदमी। कमाल है, एक आदमी दो कॉस्ट्यूम सेट लेके क्यों गया होगा? साहब अब मैं क्यों पूछो, दो सेट का डिपॉजिट दिया है उसने। ठीक है, नाम क्या है इसका? सर उदय, छोटा मोटा कलाकार है सर। अच्छा, कहाँ रहता है? कहाँ? रूम नंबर 16 चंपा नगर। थैंक यू। रूम नंबर 16 चंपा नगर। सर
सर सर सर सर सर पीछे लेफ्ट में सर इधर अंदर ये तो स्क्रैप यार्ड है यहाँ क्यों आएगा वो पर सर उसके फोन का सिग्नल इस जगह से 20-25 मीटर के एरिया में से ही आ रहा है अगर नेटवर्क यहाँ दिखा रहा है तो फोन भी यहीं कहीं होगा सचिन फोन लगाओ उसे रिंग तो बच रही है ढूंढो फैल जाओ Oh no. सचिन जिंदा ही है बाहर निकालो हॉस्पिटल ले जाना होगा सर जल्दी बॉम्बे कॉस्ट्यूम वाले से सांता का कॉस्ट्यूम लेके आए थे तुम आप लोग कौन हो CID सांता का ड्रेस लेके आया था कि नहीं यस सर दरअसल हम लोग रंगमंच सेवा संस्था के लिए एक शो करने वाले हैं इसलिए हम सांता के कपड़े के लिए आए थे अच्छा तो मुकेश के फार्म हाउस पर क्यों गए कौन मुकेश सर जिसकी सेक्रेटरी का खून किया तूने खून नहीं सर मैं किसी मुकेश को नहीं जानता और मैं किसी फॉर्म हाउस नहीं गया था इवन मैं अभी जस्ट अपनी रिहर्सल खत्म करके आ ही रहा हूँ आप चाहो तो मेरे ग्रुप मेंबर से पूछ सकते हो मैं सुबह से वहीं पे था फिर तुम्हारा वो सांता का जूता मुकेश के फार्म हाउस पर कैसे पहुंचा मैम आप कौन से जूते की बात कर रहे हो मेरे सांता का जूता तो ये रहा एक नहीं सांता के कॉस्ट्यूम के दो सेट लेके गए आदमी तुम तो दो ड्रेस लेके आए थे ना सांता के दूसरा कहाँ है दरअसल वो दूसरा सेट मैंने अपने फ्रेंड के लिया था मुन्ना मुन्ना कौन है मैम मुन्ना मेरा रूममेट है उसे किसी मॉल में सांता बनने का काम मिला था उसी के लिए मैं दूसरा वाला कॉस्ट्यूम लेके आया था सांता वाला ये मुन्ना उसका सामान कहाँ रखता है मैम वो उसका बोर्ड में ये मुन्ना करता क्या सर वो मेरी तरह ही एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और खर्चे निकालने के लिए वो रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में डिलीवरी बॉय का काम करता है सर हाँ ये देखिए यहाँ पर इतने सारे वॉलेट्स मिले हैं अलग अलग आईडीज़ हैं उनमें इतनी सारी ज्वेलरी इतनी सारे सिम कार्ड्स काफी बड़ा कलाकार निकले ये तो चोरी वोरी भी करता है नंबर लो इसका जरा जरा उसका नंबर देना सर सुबह से ही उसका फोन नहीं लग रहा है शायद उसने हमेशा की तरह अपना सिम चेंज कर दिया हमेशा की तरह सिम चेंज कर दिया क्या मतलब कहाँ से लेता था ये सिम वगैरह सर सामने में एक मार्केट है वहां से वो फोन रिचार्ज कराया करता था माफ करना आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा जी जी थैंक यू बताइए जो सच है वो बताइए सर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है अभी 2 महीने पहले मुझे एक लोकल लोन का कॉल आया और उसने मुझे हीरे तस्करी करने के लिए बोला और पैसों के लालच में तुमने हीरो की तस्करी कर दी नहीं सर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और डायमंड्स मैंने एक गिफ्ट बॉक्स में मंगवाए और वो पार्टी में और बॉक्स में साथ मिल गया और वो गलती से पिंकी के हाथ लग गया और पिंकी से मैंने वो गिफ्ट बॉक्स लेके डॉन के बताए हुए स्क्रैप यार्ड में पहुंचा दिया और वहां पे तुम पे किसी ने हमला किया और वो डायमंड तुमसे ले लिए राइट सर उसके पास अगर डायमंड नहीं पहुंचे तो वो मुझे और मेरे परिवार को जान से मार देगा अक्सर यही होता है डॉन ने धमकी दी तो तुमने डायमंड की स्मगलिंग कर दी अगर CID के पास आए होते तो आज सुरक्षित होते और वो डॉन आज जेल के अंदर होता सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अच्छा ये बताओ सुजैन गन लेकर पार्टी में क्यों आई थी
उसे मैंने अपनी गन दी थी और डायमंड का बॉक्स ढूंढने के लिए कहा था। सर लगता है हीरा चुराने और मुकेश पे हमला करने में इस मुन्ना का हाथ है। इस मुन्ना को घेरते हैं। बेटा रोते नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बिना पूछे वो गिफ्ट उठा लिया। बेटा आपकी कोई गलती नहीं है, पापा की गलती है। हाँ पूर्वी। सर जल्दी यहाँ आइए। हाँ पूर्वी। सर ये रहा मुन्ना का फेक आईडी। रोशन चलिए अच्छा हो गया। ये नंबर ट्रैक करो, पता करो मोबाइल कहाँ पे है। सर चल उसने आगे सराई की ब्रिज की तरफ। कितनी दूरी पे है? करीब आधा किलोमीटर। इसको पीछे से नहीं आगे से घेरते हैं। सर सर ये सिग्नल हमारी तरफ ही है। सर वो नजदीक आ रहा है। सर से बहुत करीब है। उसी में तो नहीं? हाँ सर सर इसी में। मुन्ना कहाँ जा रहा है ये? कौन है भाई? क्या है? बारा क्या हुआ? कौन है? हैं? क्या हुआ? क्यों मारा सुजैन को? हैं? कौन सुजैन? तुम्हें क्रिसमस पार्टी में गए थे ना सांता बनके, क्यों मारा उस लड़की को? हे भगवान, वो लड़की मर गई? ड्रामा मत कर समझा। तुम्हारा जूता मिला है हमें वहाँ पे। क्या करने गए थे वहाँ पे? मैंने खून नहीं किया सर, मैं तो वहाँ फार्म हाउस पर चोरी के इरादे से गया था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ मिला नहीं इसलिए वापस चला आया। चोरी करने गया था या खून करने गया था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं जब वहाँ से निकला तो सिर्फ ये घड़ी लेकर आया हूँ सर। वहाँ से वहाँ पे उस लड़की का किसी आदमी के साथ झगड़ा हो रहा था सर। कौन आदमी था वो? सर मैंने उन दोनों को ठीक से देखा नहीं। जब मैं घड़ी उठाकर उस खिड़की से निकला तो मेरा जूता अटक गया सर। कितना सच बोल रहे और कितना झूठ पता चल जाएगा। अरेस्ट करो इसे, लेके जाओ। पूर्वी ये घड़ी फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हाँ सारंगे बता क्या पता चला है तुझे? तारेगा सर, सर इस घड़ी पे जो खून लगा हुआ था वो सुजैन का ही है। और कमाल की बात ये है बॉस के इस घड़ी पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन उंगलियों के निशान है। डॉक्टर साहब ये तीन लोग हैं कौन? सचिन एक तो खुद विक्टिम का है सुजैन का, और दूसरा दूसरा मुन्ना का होगा। बिल्कुल सही दया, दूसरा मुन्ना का ही है, और तीसरा उंगली का निशान शायद खूनी का है। क्यों? और भी किसी का हो सकता है? खूनी का इसलिए हो सकता है बॉस के ये जो तीसरा निशान है ये खून के ऊपर से उभरा और काफी अच्छा खासा उभरा। शायद हुआ यह होगा कि पहले घड़ी पर खून गिरा और उसके बाद ये उंगली का निशान आया जो शायद खूनी का हो सकता है। सर ऐसा लगता है वो खूनी पार्टी में मौजूद था और सुजैन का खून करने के बाद फिर पार्टी में शामिल हो गया। खूनी पार्टी में मौजूद था। दया अब और एक पार्टी होगी
मुकेश के फार्म हाउस पर, और पार्टी होगी हमारी तरफ से, CID की तरफ से। वन चंपैगने प्लीज। चंपैगने नहीं है, शैंपेन है। शैंपेन? सर, कौन है वो? ओ, ठीक है सर, थैंक यू। आप सब प्लीज आइए। वक्त आ गया है कि हम आप सबको सुजैन के खूनी के बारे में बताते हैं, और वो खूनी इस वक्त यहां मौजूद है, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। कौन है वो? कौन है वो? मारा सुजैन को? क्या मैंने ये सब बकवास? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। संजीव, मुजरिम झूठ बोल सकते हैं, गवाह झूठे हो सकते हैं, मगर सबूत झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कसम से तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हमें सुजैन के घड़ी पर। नहीं होशियारी मत करना, गोली मार दूंगा इसको मैं। गन नीचे। अगर इसको जिंदा देखना चाहते हो ना, वही कर रहा हूँ। संजीव, मार दूंगा मैं। चल, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। मार देगा इसको। मार देगा वो। मुकेश, मुकेश कोई नहीं बचाएगा। मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। पीछे, मार दूंगा मैं इसको। होशियारी ने, मार दूंगा मैं गोली। गोली मार दूंगा इसको। संजीव, मार दूंगा मैं इसको, मार दूंगा मैं। देखो, अगर इसकी मौत हो गई ना, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा, इसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। भागने का कोई रास्ता नहीं संजीव, छोड़ उसे। मैं मार दूंगा, गन लौटेगा। मैं पीछा जाओ, मैं फायर कर दूंगा। एक मिनट, कान छोड़ो, कान नीचे रखो, आराम से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं छोड़ो से, तुम चिल्लाए ना तो अभी भी हिट। संजय छोड़ो से।
मुझे मगर कवर के अंदर भी छुप के बैठा हो ना तो सीआईडी से खोद के निकालती है। तू कहां तक भागेगा है? मुकेश तुम्हारा रिश्तेदार है तो फिर उसे मारने की साजिश क्यों रची तुमने? बताओ संजीव। मैं मुकेश से बदला लेना चाहता था। मैं सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। मैंने कई बार उससे मदद मांगनी चाहिए लेकिन हर बार उसने मना कर दिया, जबकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच मुझे पता लगा कि वो हीरों की स्मगलिंग कर रहा है। मगर तुमने मुकेश की सेक्रेटरी सुजैन को क्यों मारा? मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुकेश वो हीरे लेके घर से निकले, और जैसे ही वो निकला मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उस विशेश्वर का फोन आ गया। विशेश्वर? वो गैंगस्टर? हाँ, उससे मेरी हीरो की डील पक्की हो गई थी। आप फिक्र मत करिए विशेश्वर भाई, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। आप तो बस वो मेरे पैसे रेडी रखिए, थोड़ी देर में डायमंड्स आपके पास में होंगे और उस बेवकूफ मुकेश की जान उस डॉन के हाथ में। जीजा जी, आप अपनी ही पत्नी के भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, वो कोई मेरा साला वाला नहीं है, बहुत ही एहसान फरामोश आदमी है। मैं यहाँ पे कर्जे में डूबा हूँ, उसकी उसे कोई चिंता नहीं है, पार्टियां कर रहा है, मजे ले रहा है। आपकी पत्नी भी क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका ही पति उनके भाई को मारना चाहता है। मैं सबको बता दूंगी। देखो देखो सुजैन, सुजैन, सुजैन मेरी बात सुनो। इसलिए मजबूरी में उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और तुमने बीच में वो हीरे मुकेश से छीन लिए? हाँ। और अपने लिए फांसी के फंदे तक का रास्ता बना लिया। अब जेल में सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। लेकिन ले जाओ इसे। आइए। सर, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे भुगतने को तैयार हूं। मुकेश, सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पापा चलो ना घर चलते। बेटा पापा नहीं जा सकते। पापा ने गलती की है ना तो पापा को सजा मिलनी चाहिए। आप अपनी मम्मा के साथ अच्छे से रहना। आप पिंकी की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। मामा। सर चलिए। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.